जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा। अगर ये एबनॉर्मल होल ओपन रह गया तो जो राइट एट्रियम का ब्लड है ये वापिस जाने लग जाएगा सुपीरियर वेना कावा में, जाने लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल होल रह गया जो सुपीरियर वेना कावा के पास था, है ना। तो उस वजह से क्या होगा, ये एबनॉर्मल होल रहने की वजह से तो वैसे तो सुपीरियर वेना कावा ब्लड डाल रही है राइट एट्रियम में, मगर उल्टा हो जाएगा फिर क्या, फिर राइट एट्रियम से ब्लड सुपीरियर वेना कावा में घुसने लग जाएगा। यानी जब इसमें घुसेगा तो क्या होगा, जो डिऑक्सीडेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा था वही डिऑक्सीडेटेड ब्लड आप क्या हो रहा है वापिस जाने लग जाएगा बॉडी में, और बॉडी में साइनोसिस दिखने, ये रेयर होता है, ठीक है, ये बहुत रेयर होता है। मेन जो होता है वो हम पढ़ के आ चुके हैं फोसा ओबलिस वाला, ठीक है। अब हम उसको समझते हैं कि अगर वो हो गया, देखो ये जो डायग्राम बना है इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि इसमें लेफ्ट एट्रियम पहले बना दिया है और राइट एट्रियम बाद में, हमने जो डायग्राम सीखा उसमें हमने राइट एट्रियम पहले बनाया है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो आपको डायग्राम बनाया मैंने उसपे एक्सप्लेन कर दिया, उसी को याद रखो, ठीक है। तो अपने हिसाब से बना लेना, क्योंकि उसमें लेफ्ट पहले बना दिया है तो फिर वो सारी चीजें क्या पलट गई है, तो फिर आप बड़ा कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं उसको भी नहीं समझाऊंगा। क्या हो गया ये, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम अब हम पढ़ेंगे क्या कि इससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है। ये पूरी की पूरी क्या होती है, हीमोडायनेमिकली चेंजेस, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं, इतना सा जो लाइन लिखी हुई है ना ये दिमाग की बैंड बजा देती है, लेकिन अभी आपको इतनी क्लियर होगी इसकी कोई हद नहीं है, बस अच्छे से समझना कैसे, ठीक है। सो बेसिकली दीज सेप्टम्स रिमेन्स ओपन रह जाते हैं बिटवीन राइट और लेफ्ट एट्रियम में इवन आफ्टर बर्थ। अब उससे गड़बड़ क्या होती है, क्या गड़बड़ होगी, सिंपल सी बात है, देखो इसको समझना, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। अगर ये ओपनिंग ओपन रह गई तो होगा क्या सर, होगा तो सर फिर ये होगा कि अगर ये ओपनिंग रह गई ओपन तो ये होगा कि जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, वो राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाता है सर, वो नॉर्मली हम में क्या होता है कि ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। मगर इनमें क्या होगा सर, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ना जाकर कहां जाने लग जाएगा, सीधा लेफ्ट एट्रियम में, क्यों, क्योंकि ये बच्चों में तो होता था मगर बच्चों में नॉर्मल था क्योंकि मां से ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है क्या आपकी बॉडी से, नहीं सर, यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है ना पूरी बॉडी का ब्लड, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ घुसेगा, निकल के कहाँ घुसने लग जाएगा, लेफ्ट, कुछ ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा मगर कुछ ब्लड कहाँ जाने लग जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, अब क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम में क्या खुद भी ब्लड आता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, कौन सा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, तो ये भी ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, प्लस यहाँ से कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब सीधी बात है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, यहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आउटा, आउटा के थ्रू कहाँ जा सकता है, पूरी बॉडी में, यानी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के चांसेस है कि नहीं। अब ये होगा बेसिक, बेसिक तो यही होगा, लेकिन ये नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, अब एक बात बताओ, सिंपल सा दिमाग लगाना, बेसिक लगाना, बिल्कुल बेसिक, ये ब्लड क्या हो रहा है, ये ब्लड यहां से इधर भेज रहा है, इधर निकल रहा है, ठीक है, इधर भी तो ब्लड आ रहा है, मैंने बोला ना कि ब्लड इधर भी तो आ रहा है, ठीक है, अब इधर भी ब्लड आ रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, फ्लूड बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूड बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना नॉर्मल आ रहा है वो तो आ ही रहा है लेकिन एबनॉर्मल भी आ रहा है, तो क्या होगा, बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हो, मुझे बताओ राइट हार्ट में ज्यादा प्रेशर होता है कि लेफ्ट हार्ट में, सर लेफ्ट हार्ट में हमेशा से, इसलिए तो सबसे ज्यादा खराब कौन सा हार्ट होता था, लेफ्ट, सबसे ज्यादा फेलियर किसमें आते हैं, लेफ्ट, सबसे ज्यादा काम कौन करता है, लेफ्ट, क्यों, क्योंकि इसे पूरा ब्लड पूरी बॉडी में डालना है, तो इसलिए लेफ्ट हर्ट होता है, वो बड़ा भी होता है साइज में राइट के कंपेयर में, तो यहाँ पर प्रेशर है ज्यादा। अब एक बात बताओ, दो लोगों में लड़ाई करवाओगे तो कौन जीतेगा, जिसमें ज्यादा ताकत है, तो सीधी सी बात है, अब ये ब्लड यहाँ तो आ रहा है, अच्छी बात है, तो मुझे एक बात बताओ, ये होल का मतलब क्या है, कि सिर्फ ब्लड यहीं से यहाँ आ सकता है, ये होल क्या वन वे है क्या, ये होल आपको क्या लगता है वन वे है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ब्लड यहां से निकल के यहां जाएगा, क्योंकि माँ के अंदर ऐसा हो रहा था, तब माँ के अंदर तो ये इसलिए हो पा रहा था क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में कोई ब्लड वहां था ही नहीं, तो लड़ने के लिए कोई था ही नहीं, जो राइट एट्रियम में घुस जाता था लेफ्ट एट्रियम में, दिक्कत ही नहीं है, मगर ये होल क्या वन वे है क्या, नहीं सर,
ये होल तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस तरीके से ये ब्लड यहां जा रहा है उस तरीके से लेफ्ट एट्रियम का ब्लड भी तो राइट एट्रियम में घुस सकता है, बिल्कुल घुसेगा। घुसेगा कि नहीं घुसेगा? बिल्कुल घुसेगा सर। बच्चों में इसलिए नहीं घुसता क्योंकि बच्चों में लेफ्ट एट्रियम में कोई ब्लड होता ही नहीं है, तो घुसेगा क्या? तो ठीक है, इनमें क्या होगा? अब इसमें बिल्कुल आएगा सर, राइट एट्रियम में। अब इन दोनों में कौन जंग जीतेगा? क्योंकि राइट एट्रियम वाला बोलेगा हम अपना डिऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेंगे तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम बोले बोलेगा नहीं, हम अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेंगे राइट एट्रियम में। दोनों में लड़ाई होगी, जीतेगा कौन? जिसमें ज्यादा ताकत है। ताकत ज्यादा किसमें? लेफ्ट हार्ट में। तो कौन जीत गया? लेफ्ट हार्ट। तो ये जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां पर नहीं जा पाएगा, ये बोलेगा भागो यहां से चलो। तो सारा ब्लड ये नहीं, यहां नहीं जाकर सारा ब्लड है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड वो राइट एट्रियम में घुसता चला जाएगा सारा ब्लड। अब क्या हो जाएगा? फ्लूड कहां भरने लग जाएगा ब्लड बहुत ज्यादा? राइट हार्ट में। अब सोचो राइट हार्ट में फ्लूड भरता जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखो पहले उसका थोड़ा बहुत ब्लड, क्योंकि यहां से भी ब्लड पूरा पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है डिऑक्सीडेटेड, तो पूरी बॉडी का डिऑक्सीडेटेड ब्लड, पूरी बॉडी का डिऑक्सीडेटेड ब्लड यहां भर रहा है, प्लस लेफ्ट एट्रियम से भी पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ रहा है। तो यहाँ ब्लड ही ब्लड हो गया पूरे में, पूरे राइट। अब वो पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा होता है? कौन जुड़ा होता है सर? राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स से कनेक्ट होती है, लंग्स में सारा ब्लड लेके जाती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मली डिऑक्सीडेटेड ब्लड आता है वो पल्मोनरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है और उसको ऑक्सीडेट करवाती है, बाद में वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। तो जो अगर सपोज करो पहले अगर ब्लड जो नीचे जा रहा था लेफ्ट एट्रियम से, वो क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वो कितना जा रहा था कि ऊपर आ रहा था 100 ml, तो नीचे भी जा रहा था 100 ml। पहले जब नॉर्मल है जो हमारे आप सब में नॉर्मल है, तो लंग्स में भी जा रहा है 100 ml, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर अब क्या हो गया कि यहां पर भी सपोज 100 ml जो आ रहा था इसका 50 ml चला गया यहाँ, तो यहाँ पर जो अब 100 तो आ ही रहा है उसका नॉर्मल, मगर 50 और ही आ गया। अब ये कितना हो गया? 150। अब नीचे कितना आएगा 100 की जगह? 150। लंग्स में कितना जाएगा? 150। लंग्स कितने के लिए बने हुए हैं नॉर्मली आपके हमारे सर? 100 ml के लिए। ब्लड कितना जाने लग गया सर? 150। लंग्स खराब होंगे कि नहीं होंगे? लंग्स के अंदर ब्लड भरता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा सर? बिल्कुल भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? लंग्स के अंदर ब्लड भरता जाएगा, यानी सर पल्मोनरी एडिमा लंग्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी इडीमा, यानी ब्लड भरना। पल्मोनरी इडीमा का मतलब क्या? ब्लड भरना लंग्स के अंदर। मगर ये सब आपको दिखेगा एक्यूट केस में। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा फिनोमेना, अच्छा बताओ इस शंट को क्या बोलोगे? ये शंट मतलब इस रास्ते को क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट रास्ता कि राइट टू लेफ्ट? ब्लड अभी कहां जा रहा है नॉर्मली? लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहा है। ये ब्लड कहां जा रहा है? लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या जा रहा है? अभी अभी जो एक्यूट केस में जो शंट बनेगी वो कौन सी शंट बनती है? जब आपको सपोज अभी जस्ट ESD हुआ ही हुआ है, बच्चे को अभी ESD चला, बच्चे को एक्यूट केस चल रहा है, तो कौन सी शंट बन रही है? लेफ्ट टू राइट शंट बन रही है कि नहीं बन रही? क्योंकि सारा ब्लड लेफ्ट से राइट में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्लियर। प्लस और क्या हो रहा है सर? सर और पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारा ब्लड कहाँ खट्टा हो रहा है? कहाँ खट्टा हो रहा है सर? सर सारा का सारा ब्लड लंग्स में खट्टा हो रहा है, यानी सर साइज का बड़ा होगा सर, लंग्स की हाइपरट्रॉफी होगी, लंग्स का साइज हमें बड़ा दिखेगा, यानी हम जब भी एक्सरे कराएंगे तो हमें लंग्स का साइज बहुत बड़ा दिखेगा। किस केस में? एक्यूट केस में। बिल्कुल याद रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? ये अभी एक्यूट केस में जब हम सर एक्सरे कराएंगे तो लंग्स का साइज हमें बड़ा दिखेगा, प्लस पल्मोनरी आर्टरी का भी साइज बड़ा दिखेगा, क्यों? सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी का भी सर बड़ा साइज हमें बड़ा दिखेगा, ठीक है? लेफ्ट टू राइट शंट दिखेगा, ये चार ही चीजें हमें एक्यूट केस में दिखेंगी। कब तक? जब तक लंग्स के अंदर ब्लड भर रहा है। अब लंग्स के अंदर ब्लड भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, अब एक समय बाद लंग्स बोलेंगे सुनो भाई साहब अब हमारी पावर हो गई है खत्म, अब हमें नहीं है कि अब हमें तुमने अगर थोड़ा और ज्यादा ब्लड भरा तो हम जाएंगे फट। फिर तो लंग्स बोलेगा काम करो अपना सारा ब्लड पकड़ो वापस, हमें नहीं है ताकत। तो लंग्स क्या करेगा? लंग्स उल्टा चला देगा, क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर पूरा ब्लड भर गया। जैसे ही पूरा लंग्स के ब्लड भर गया, लंग्स बोलेगा नहीं अब हम इधर ब्लड आने ही नहीं देंगे, अब हम ब्लड वापस भेजा, हम क्या करेंगे ब्लड आपको वापस डाल देंगे हार्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि लंग्स इतना ब्लड ही भर गया तो उसमें अब जगह कहाँ है भरने की? कोई चीज ज्यादा भर जाएगी तो फ्लो होगा कि नहीं? आउटफ्लो। तो लंग्स के अंदर होने लग जाता है आउटफ्लो, इसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपर टेंशन। इतना ज्यादा लंग्स के अंदर टेंशन डेवलप हो जाता है कि वो बैक फ्लो मारना स्टार्ट कर देता है। कौन सा फ्लो? बैक फ्लो हो गया। सारा ब्लड नॉर्मली हमारे आपके अंदर लंग्स के अंदर जा रहा है, हम सब नॉर्मल है, मगर इसमें क्या हो गया कि लंग्स का इतना बड़ा ब्लड भर गया कि लंग्स बोलेगा कि नहीं सारा ब्लड बैक फ्लो लो, क्यों? ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। याद रखना
ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैकेनिज्म। क्या रिफ्लेक्स? ये रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इतना टेंशन डेवलप हो गया ऐसे ऐसे, तो ये सारा ब्लड अब भर जाएगा कहां, ये सारा लंग्स ब्लड भेज देगा वापस लंग्स से निकाल के, और कहां भर देगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां डाल देगा, राइट वेंट्रिकल्स में। अब जो ब्लड पहले लंग्स में भर रहा था वो अब कहां भरने लग जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में भरेगा तो कहां ऊपर जाएगा, तो कहां भरने लग जाएगा, राइट एट्रियम में। तो अभी जो ब्लड इसमें भर रहा था वो यहां भरने लग जाएगा। यानी अगर मैं सर अब एक हेडिंग बना दूं, ये कब होगा, जब पल्मोनरी रिफ्लेक्स हाइपरटेंशन स्टार्ट होगी। और वो कब स्टार्ट होगी सर, क्रोनिक केस में, जब बहुत समय हो जाएगा, जब आपके लंग्स क्या हार मान जाएंगे, तो वहां पर आप कौन सी संट बन गई, इसमें लेफ्ट टू राइट थी, अब यहां राइट टू लेफ्ट बन गई, क्यों उल्टा स्टार्ट हो गया, तो कौन सी शंट हो गई, राइट टू लेफ्ट शंट। ये लोग इसी शंट में कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट टू राइट कैसे हो गई, राइट टू लेफ्ट कैसे हो गई, अब इसमें कौन सी शंट हो गई क्रॉनिक केस में, लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, अब पल्मोनरी एडिमा दिखेगा सर, दिखेगा ही नहीं, क्यों दिखेगा सर, क्यों, क्योंकि सारा ब्लड लंग्स में जा रहा है, तो अब यहां दिखेगा सर कार्डियक एडिमा, कार्डियक एडिमा। अब जब एक्सरे कराओगे तो यहां पर लंग्स तो आपको नॉर्मल साइज के दिखेंगे, मगर हार्ट बड़ा दिखेगा, हार्ट का साइज बड़ा दिखेगा, तो इससे डॉक्टर पहचान लेता है कि अच्छा हार्ट का साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसको जो प्रॉब्लम है वो काफी सालों से है, और अगर और लंग्स का साइज बड़ा है तो मतलब अभी एक्यूट फेज में है। ठीक है, तो इसमें जो साइज बड़ा है वो किसका मिलेगा, कार्डियक का, आपको कार्डियक का साइज बड़ा मिलेगा एक्सरे में, प्लस पल्मोनरी आर्टरी तो बड़ी मिलेगी, क्यों, क्योंकि इधर से भी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा था, तो उधर से भी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी का साइज बड़ा मिलेगा, और राइट वेंट्रिकल का साइज बड़ा मिलेगा, राइट एट्रियम का साइज बड़ा मिलेगा, यानी ओवरऑल कार्डियक एडिमा क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़ा किस किस तरफ का हो रहा है, राइट साइड का, ना कि लेफ्ट का, तो राइट का पूरा आपको बड़ा मिलेगा, और राइट के अंदर अगर ब्लड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, तो एंड स्टेज क्या हो जाएगा, राइट साइड का कार्डियक फेलियर। तो इसमें कौन सा फेलियर होगा, राइट साइड का कार्डियक फेलियर। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो एचडी में कौन सा फेलियर होता है आगे चल के, लेफ्ट का कि राइट का, राइट साइड का। अब ये बिल्कुल आपको मैकेनिज्म क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा है, देखो इन एचडी ब्लड इज सेंटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्यों, अच्छा मैंने क्या बोला था कि जो लेफ्ट है उससे ब्लड राइट में आएगा, ना कि राइट से लेफ्ट में, क्यों, क्योंकि तो प्रेशर किसका ज्यादा था, लेफ्ट का, तो पहले ब्लड आया लेफ्ट, इसके लिए इसको बोला गया लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है, तो राइट एट्रियम एंड देन गोज टू, यहां पर राइट एट्रियम है, कहां ब्लड जाएगा फिर, नीचे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, तो राइट वेंट्रिकल आउटपुट एनहेंस, जिससे क्या होगा लंग्स के अंदर क्या बढ़ जाएगा, पल्मोनरी इडीमा, तो राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट एनहेंस पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज मार्कडली इंक्रीज, इससे क्या होगा आप सबके क्या बढ़ जाएगा, तो सबके आपका क्या बढ़ जाएगा कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल आर्टरी, फिर इवेंचुअली क्या डेवलप, इवेंचुअली क्या स्टार्ट होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भरता चला, आप इसको अपनी लैंग्वेज में और बड़ा करके आना, इसमें शॉर्ट शॉर्ट लिखा। ठीक है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट होगी, उससे होगा रिवर्स, क्यों, क्योंकि लंग्स बोलेंगे हम फट जाएंगे, अब हमें जगह ही नहीं है, तो फिर जो शंट होगी सर वो हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, तो सारा ब्लड भरने लग जाएगा वापिस, यहां पर जो ब्लड अब पहले ऐसे आ रहा था वो अब ऐसे नहीं आ पाएगा, क्यों सर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रेशर यहाँ का इंक्रीज था, मगर इतना बढ़ गया तो अब प्रेशर यहाँ का इंक्रीज हो गया, अब यहाँ अब डाउन कौन हो गया, राइट एट्रियम, तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, जब पूरा पहले राइट वेंट्रिकल भर जाएगा, फिर राइट एट्रियम भर जाएगा, फिर ब्लड कहाँ चले जाने लग जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, फिर कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट शंट, फिर ये हो गया राइट टू लेफ्ट शंट, हो गया कि नहीं, पहले लेफ्ट से राइट में आ रहा था क्योंकि लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा था, अब राइट में ज्यादा हो गया, तो अब हो गया ये राइट टू लेफ्ट शंट। अब ये बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए। ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमने पूरी हिमोडायनेमिक इसकी अच्छे से क्लियर कर ली। अब हम समझते हैं क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, मतलब हमें क्या क्या पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, कॉमन सिम्टम्स हैं, लंग्स अफेक्ट हो रहा है तो सारे लंग्स के सिम्टम लिख देंगे, ठीक है हम, क्योंकि मेनली पहले लंग्स अफेक्ट हो रहा है, फिर आगे चल के हार्ट भी अफेक्ट हो रहा है तो उसके भी सिम्टम लिख दोगे। तो कॉमनली कंजनाइटल डिफॉर्मिटी ये एडल्ट में दिखती है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों में भी दिखती है, लेकिन मतलब हो तो बच्चों से ही रही है ना, तो ये आपको एडल्ट्स में मिलती है, मतलब जब बड़े होते हैं तो मिलती रहे, फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन होती है, जो फीमेल्स के बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा कंपेयर होती है एज कंपेयर टू मेल्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
ड्यू टू इट्स कंजनाइटल फैक्टर, ऐसा बोला गया है कि कंजनाइटल फैक्टर ज्यादा रोल प्ले करते हैं फीमेल्स में करवाने के एज कम्पेयर टू मेल। और आपको क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, पाल्पिटेशन मिलेगा। पाल्पिटेशन क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल ब्लड रश हो रहा है, तो आप पाल्पेट करोगे तो एबनॉर्मल आपको ब्लड मिलेगा कहीं का भी कहीं। फैटीग मिलेगा, है ना, थकावट होगी लोगों को, फैटीग। अच्छा फैटीग क्यों होगा, दिमाग लगाओ क्यों सर फैटीग होगा। ये सब जो जनरली सिम्टम्स है ये एक्यूट केस के होते हैं। फैटीग क्यों होगा, क्योंकि एक्यूट स्टार्टिंग में ब्लड कहाँ जा रहा था, यहाँ जाने लग गया था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पर 100 ml सपोज स्टार्टिंग में, अगर हमें 100 ml जा रहा है तो 100 ml ही नीचे आता है, मगर जब स्टार्टिंग में ये शंट स्टार्ट हुई थी लेफ्ट टू राइट, तो अब ये जो 100 की जगह यहाँ पर अब क्या हो गया, 50 यहाँ चला गया और 50 यहाँ, तो 50 यहाँ कम हुआ कि नहीं हुआ अब बॉडी में, यानी 50 कम गया कि नहीं गया, यानी 50 में बॉडी में ऑक्सीजन कितनी कम हो गई, 50% हुई कि नहीं। तो इन बच्चों में इसलिए बच्चे मालूम क्या, अब सोचो अब बॉडी में 50% ऑक्सीजन लगभग कम हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, इसीलिए आप इसी रिलेशन से तो समझा रहा हूँ, कुछ अलग तो मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। उससे होगा क्या, तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो है जो ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाती है, ब्रेन की ग्रोथ करवाती है। जिंदा तो रहेंगे क्योंकि ऑर्गन ऑक्सीजन इतनी कम नहीं हुई है कि मर जाओ, मगर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसे आप बच्चियों लड़कियों को देखना, ऐसे देखना देखना बहुत ग्रोथ उनकी, बहुत डिस्टार्ट ग्रोथ मिलती है, जल्दी बड़े नहीं हो पाते, ग्रोथ बहुत, ऑर्गन्स नहीं बन पाते, हाइट नहीं बढ़ पाती, सब कुछ। क्यों, क्योंकि भैया प्रॉपर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, अभी रीजन समझ आ गया होगा। तो फैटीग क्यों हो रही है, ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन क्यों आ रहा है लंग्स के बार बार, अभी बताता है। सारा ब्लड भर के स्टार्ट कहाँ जा रहा था, लंग्स में, तो लंग्स में पूरा फ्लूड भरा जा रहा है, तो लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होंगे क्या, होंगे सर। रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है सर। और क्या होता, और आगे चल के क्या होगा, अगर लंग्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए तो डिसिप्निया होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है आगे चल के। और स्पेशली लिख के आना कि राइट साइड का सर पहले होगा, ठीक है, क्योंकि पहले राइट में भर रहा है, फिर आगे चल के जब शंट उल्टी होगी तो ब्लड इधर भी आएगा, तो वो लेफ्ट होगा मगर राइट पहले हो जाएगा। लेफ्ट क्यों होगा, लेफ्ट में तो बहुत एंड केस में बनेगा, तो कार्डियक फेलियर राइट हो जाएगा, है ना। अरिथमिया का मतलब होता है आपकी हार्ट रेट डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल होगी, सही बात है, ब्लड भर रहा है ना, और आपके एट्रिया है वो क्या होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, तो एट्रियल फिब्रिलेशन आपको मिलेगा लेटर स्टेज में, है ना। तो ये सारे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना, विजिबल एंड पल्बो पाल्पेबल पल्मोनरी आर्टरी। क्यों पल्मोनरी आर्टरी आपको कैसी मिलेगी, विजिबल और पाल्पेबल, क्यों, क्योंकि हमने बोला था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो ब्लड जा रहा था लंग्स में, और लंग्स के ही थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, तो कहीं भी जाए, चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक, दोनों में ब्लड भर तो जा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रहा है, तो सीधी सी बात है कि पल्मोनरी आर्टरी तो आपको स्टार्टिंग से बड़ी मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें इतना सारा ब्लड जा रहा है, तो इसका साइज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यह क्या होता है, इन बच्चों में विजिबल एंड पल्पेबल पल्मोनरी आर्टरी रहती है। जो हमारा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है ना, सेकेंड इंटरकोस्टल, जो हमारा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, उसके ऐसे बच्चों को यहाँ फील करते हैं, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अराउंड फील करते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट स्पेस है यहाँ पर, तो उनको क्या मिलती है, पल्मोनरी आर्टरी एकदम अलग ऐसे पालपेट करती है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है, इतना ब्लड रश की वजह से पालपेट करती है, याद रखना, ठीक है, पालपेशन मिलता है उनको। प्लस क्या मिलेगा, लेफ्ट पेरास्टर्नल ही, दिमाग लगाओ लेफ्ट पेरास्टर्नल की साइड, क्यों भैया, ये राइट साइड का हार्ट पर लोड पड़ रहा है, तो राइट साइड का हार्ट बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी मैंने बताया, क्योंकि क्यों, क्योंकि सारा ब्लड कहाँ, जब लंग्स में भर रहा था, फिर लंग्स का सारा ब्लड वापस आने लग गया हार्ट में, राइट हार्ट का, तो राइट हार्ट क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तभी तो मैंने बोला कि कार्डियक एडिमा मिलेगा, क्रोनिक केस में क्या मिल रहा था, कार्डियक एडिमा मिल रहा था। कार्डियक एडिमा का मतलब क्या होता है, साइज में बड़ा होना, साइज में भर रहा है तभी तो फेल होगा। तो क्या होगा, अगर अब भैया बताओ पेरिस्टर्नल रीजन में जगह तो इतनी ही है ना, चाहे वो आधी जगह लेफ्ट के लिए आधी जगह राइट के लिए, फिर अगर राइट वाला बड़ा होएगा साइज में तो क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगा, स्टर्नम को बोलेगा पेरास्टर्नल को लेफ्ट की तरफ खिसको, चलो हमें जगह बताओ, तो इसलिए पेरास्टर्नल हीप मिलती है। तो लेफ्ट साइड में आपकी जो पेरास्टर्नल है वो स्विफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। प्लस आपको लेफ्ट साइड में इधर क्या, इधर करोगे तो लेफ्ट साइड में भी पाल्पेशन आने लग जाते हैं, राइट में तो आ ही रहा है लेफ्ट में भी, क्यों, क्योंकि वो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हीप का मतलब होता है पाल्पेशन आ रहा है, एबनॉर्मल पाल्पेशन आ रहा है, क्लियर। तो आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट साइड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है हार्ट, क्यों, क्योंकि राइट साइड का बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है तो जगह है नहीं, तो वो लेफ्ट को धक्का मार रहा है। तो ये आप जब एक्सरे कराओगे तो जब आपकी स्टर्नम में वो हल्की सी कैसी मिलेगी, कौन सी साइड मिलेगी, लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि राइट साइड का हार्ट बड़ा दिख रहा है, तो वो लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगी, क्लियर। और क्या क्या हो जाएगा, हमारा इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, यानी
हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एबनॉर्मल साउंड सुनाई देंगे, तो आप सिस्टोलिक मर्मर भी सुनाई देंगे। सिस्टोल का मतलब होता ही है क्या, हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होना, तो एबनॉर्मल उसके मर्मर का बोलता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देना। ऐसी डायस्टोलिक मर्मर भी सुनाई देंगे आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अच्छा, ट्राइकस्पिड एरिया क्यों लिखा है, क्योंकि भैया राइट साइड में कौन सा वॉल्व होता है, कौन सा वॉल्व होता है सर, राइट साइड में वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड, तो कौन सा अफेक्ट होगा, तो ट्राइकस्पिड एरिया के आसपास आपको अफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीजें मिलेंगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे कराओगे, मैंने पूरा अच्छे से बताया। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे करा के देखोगे, चेस्ट एक्सरे में एक्यूट और क्रोनिक का बहुत अच्छा रिलेशन समझाया है मैंने, ठीक है। तो क्या देखोगे, अगर किसी को एक्यूट केस में अगर आपने एक्सरे लिया है, और अगर आपको एक्सरे जब आपके हाथ में आ रहा है और आपको दिख रहा है कि हाँ लंग्स का साइज बड़ा है, एकदम क्लियर लंग्स का साइज बड़ा है, तो आप बोलोगे एक्यूट केस है, और हार्ट का साइज बड़ा दिख रहा है यानी क्रोनिक केस है, तो चेस्ट का रेडियोग्राफी एक्सरे करा लो। ईसीजी में प्रॉपर आपको सारी चीजें दिखेंगी ना, इको करा लो, कार्डियक कैथेटराइजेशन का मतलब होता है कैथेटर डालकर चेक कर लो प्रॉपर कहाँ होल प्रेजेंट है। चेस्ट रेडियोग्राफी इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग, चेस्ट में क्या देखिए पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग का मतलब कौन सी पल्मोनरी वेस्कुलर, कौन सी वेस्कुलर, सब पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का साइज बड़ा हो रहा है ना, तो वो उसमें इतना हो रहा है, तो पल्मोनरी जब एक्सरे करा तो पल्मोनरी आर्टरी की अलग से एक वेस्कुलर मार्किंग दिखती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि प्रोमिनेंट दिखती है पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी सी ज्यादा है ना, प्लस पल्मोनरी प्लीथोरा दिखता है, पल्मोनरी प्लीथोरा ये आपको दिखेगा लेफ्ट टू राइट शंट में, देखो लाइन देखिए लेफ्ट टू राइट शंट, यानी क्या कहना चाह, लेफ्ट टू राइट शंट कब होती है सर, एक्यूट केस में। प्लीथोरा का मतलब होता है कि शेडो दिखना, एक्सरे में एक्चुअली क्या ऑर्गन दिखते हैं क्या सर, नहीं सर शेडो दिखती है, तो आपको पल्मोनरी प्लीथोरा का मतलब होता है कि इसकी शेडो बहुत बड़ी दिखेगी, लंग्स की शेडो बड़ी दिखेगी, क्यों, क्योंकि सर एक्यूट केस में क्या हो रहा था, पल्मोनरी एडिमा, सारा ब्लड पहले कहां भर रहा था, लंग्स में, तो पल्मोनरी प्लीथोरा दिखेगा कब, लेफ्ट टू राइट सेंट में। और हर्ट बड़ा कब दिखेगा, कार्डियोमेगेली कब दिखेगी, राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट कब दिखेगा सर, कार्डियोमेगेली में ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट कब सर, क्रॉनिक केस में, क्रॉनिक केस में जब कार्डियक एडिमा हो चुका होगा, कार्डियक एडिमा जब आपकी शंट राइट टू की, जब आपकी शंट पे क्या हो गई होगी, राइट टू लेफ्ट, क्यों, क्योंकि अब राइट साइड का प्रेशर बढ़ गया होगा, ठीक है। प्लस ईसीजी में आपको क्या दिखेंगे, राइट साइड के जो एट्रियम है वो बड़े दिखेंगे, क्योंकि उनमें एबनॉर्मल ब्लड भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है ना, और प्लस आपको राइट वेंट्रिकुलर की भी हाइपरट्रॉफी दिखेगी, क्यों, क्योंकि उनमें भी लोड आ रहा है, तो उनकी भी हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी। प्लस कार्डियक एमआरआई, एमआरआई वगैरह भी कराओगे तो उन सब में क्या आपके ऑर्गन्स की प्रॉपर आपको नजर आएगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, सीधी सी बात है, वही सब एंड स्टेज हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, स्पेशली कौन सा लिख के आओगे, राइट साइड का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी कौन सा, राइट साइड का आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राइट अफेक्ट हो रहा था। पैराडॉक्सिकल, जो कॉम्प्लिकेशन में तो कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ना, बिल्कुल की बात है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मतलब होता है वहां पर क्लॉट, क्योंकि ब्लड इतना ज्यादा खट्टा हो रहा है तो वहां पर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्लॉट ब्लड में ट्रेवल करके पूरी बॉडी में जाने लग जाते हैं, तो क्यों, क्यों क्लॉट बनने लग जाते हैं, क्योंकि ब्लड वहां पर बहुत ज्यादा खट्टा होने लगा है राइट साइड में, इस वजह से। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मैंने बताया ही है ना, क्योंकि आपके एट्रियम डिस्टर्ब होने लग गए हैं, एट्रिया डिस्टर्ब होने लग गए हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन भी देखने को मिल रहा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो पूरा समझाया ही था, ये तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो कब हो रही थी, जब पूरा आपके हर्ट में ब्लड भर गया था, क्योंकि इसी कॉम्प्लिकेशन ही तो है, इसी के बाद तो फिर ब्लड कहाँ जा रहा था, हर्ट की तरफ वापस, शंट उल्टी हो गई थी, राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, जब एबनॉर्मल ब्लड कहीं का कहीं जा रहा है तो एंडो का इन्फेक्शन भी आगे चल के हो सकता है। एक नया वर्ड यहाँ पर सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसन, 2 मार्क्स में पूछते हैं, आइसनबर्ग सिंड्रोम, ये आपको, ये आइसनबर्ग सिंड्रोम कुछ नहीं होता, इसकी डेफिनेशन मालूम क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि पल्मोनरी जो आपकी आर्टरी है उसमें अगर, इसकी डेफिनेशन होती है इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू दी पल्मोनरी आर्टरी, जब भी अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उसे बोलते हैं ईसनमर्ग सिंड्रोम, ठीक है। तो अब इसमें पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा सर, आइसनबर्ग सिंड्रोम मतलब पल्मोनरी आर्टरी में जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है किसी भी रीजन से हो, किसी भी रीजन से हो, यहाँ आइसनबर्ग सिंड्रोम क्यों हो रहा है सर, इसलिए यहाँ पर हो रहा है ड्यू टू सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर यहाँ पर आइसनबर्ग सिंड्रोम क्यों है, आइसनबर्ग सिंड्रोम की डेफिनेशन बस इतनी सी होती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ क्यों हो रहा है आइसनबर्ग सिंड्रोम, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो इस वजह से आइसनबर्ग दिख रहा है, क्लियर।
क्वेश्चन मार्क इसमें आपको देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट क्या करोगे? कुछ नहीं, जो दिक्कतें आ रही है उनको ठीक करो। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा था नहीं लंग्स की वजह से कितना ज्यादा, तो उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। प्लस मेन हमारा काम है सर्जिकल क्लोज करना, वो जो डिफेक्ट है उसकी सर्जरी करके वो जो उसको है, लेकिन वो 3 साल के बाद ही करते हैं। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वो बच्चों में नहीं करते। हमारा पहला, इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला तो हम ये वेट करते हैं कि खुद से ही हो जाए हील, क्योंकि बहुत सारे लोगों में मिलता है, लेकिन मोर देन 50% केसेस में खुद ही टाइम के साथ वो अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है, छोटा मोटा होल होता है तो बिल्कुल क्लोज हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है 3 साल बाद कराना, अपने आप कुछ ड्रग्स मेडिसिन देते हैं उनसे वो क्लोज हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर सर्जरी से उसको क्लोज करा जाता है। एक चीज होती है जिसका नाम होता है परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर सेप्टल ऑक्लूडर। इसका नाम याद रखना, ये स्पेशली एक ऑक्लूडर, देखो उसका नाम क्या है, परक्यूटेनियस। देखो नाम में याद करने कुछ नहीं है, परक्यूटेनियस यानी कैथेटर है जो स्किन के थ्रू डाला जा रहा है, ट्रांस कैथेटर, ये कैथेटर है। और सेप्टल, जो आपका सेप्टा में क्या हो रहा था, डिफेक्ट हो रहा था, उसको ठीक करता है। ऑक्लूडर को मतलब होता है क्लोज करना, टू क्लोज्ड। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरीके से वायर डालते हैं, और वायर क्या स्किन के थ्रू डालकर कैथेटर की तरह होता है। कैथेटर डालते ना, कैथेटर की तरह स्वाइल को डाल के और आपके जो आप ओपरिंग है उसको क्लोज कर देते हैं, वायर डाल के पूरा ऑपरेट करके उसको क्लोज कर देते हैं। स्पेशली ऑस्टियम सेकंडम के लिए करा जाता है। ऑस्टियम सेकंडम मतलब स्पेशली जो मोस्ट कॉमन था, फोसा ओबलिस, उसी में तो था, फोसा ओबलिस में तो था ऑस्टियम सेकंडम, तो स्पेशली उसके लिए करा जाता है। ये नाम याद रखना, ये लिख के आना जरूरी होता है, परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर सेप्टल ऑक्लूडर। कुछ नहीं, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे डालकर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बाकी बेसिक चीजें यही है कि क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स तो हमें देना ही है क्योंकि इन्फेक्शन होने के, प्रोफिलेक्सिस समटाइम्स फॉर एंडोकार्डाइटिस, यही सब मेन इसका यही काम है कि हमें सर्जरी का, हम बस वेट करते हैं, वेट करते हैं। अगर वो 3 साल तक होती है ठीक, नहीं तो सर्जरी करके उसको होल को बंद कर देते हैं। यही इसका मैनेजमेंट होता है। और जो और मेन और कुछ दो चार बातें जो आप अपने मन से लिख के आ सकते हो कि स्पेशली जो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं उनको करेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 साल का वेट कर रहे हैं तो बच्चे में तब 3 साल तक प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी, तो उनके लिए हम बच्चे को ड्रग देते रहते हैं कि ये खतरा हो, ये खतरा हो, ये खतरा हो, है ना, जिससे क्या आपके सिम्टम्स कम हो जाए। और हम वेट करते हैं कि अगर छोटा मोटा है तो बॉडी उसको खुद हील कर ली, जो नहीं होगी तो फिर उसको सर्जरी करके हम क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर एट्रियल सेप्टल